चलिए आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने क्लास को। और आज का टॉपिक हमारा क्या है, तो आज का टॉपिक है दैनिक जीवन में पीएच का महत्व, यानी कि डेली लाइफ में, दैनिक जीवन मतलब पर डे के जीवन में, रोजमर्रा की जिंदगी में क्या पीएच का कोई वैल्यू है भी, या बस हम लोग पढ़ते जा रहे हैं पीएच पीएच पीएच, अम्ल क्षार लवण अम्ल क्षार लवण, क्लास शुरू हुआ तब से अम्ल क्षार लवण, ये इसका कोई मतलब भी है हम लोगों के जीवन में, या बस केवल पढ़ते जा रहे हैं? नहीं, तो वही चीज को समझना है कि कोई मतलब है कि नहीं है। और आप लोग डिसीजन लीजिएगा कि पीएच का कोई वैल्यू है भी या नहीं भी। तो हम लोग भी आप अगर इसका महत्व समझ में आ जाएगा, अगर आप लोग को लगेगा नहीं बहुत ज्यादा महत्व है, बहुत ज्यादा क्या है इंपॉर्टेंस है, तो आप लोग भी पीएच पे ध्यान दीजिएगा। और लगेगा फालतू चीज है पीएच का वैल्यू, तो बस परीक्षा पास करे बाद पढ़ लीजिए, बाकी रह दीजिए उसको अपने घर, तुम भी अपना घर रहो, कोई दिक्कत है? तो वही चीज समझते हैं हम लोग क्या, तो इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन डेली लाइफ। अब पीएच का मतलब हम पिछले क्लास में समझा दिए थे कि पीएच एक पीएच स्केल ना, पीएच स्केल एक होता है जिसमें वैल्यू 0 से लेकर के 14 तक होता है। अगर 0 से 7 के नीचे वैल्यू है तो वो अम्लीय होता है, 7 से ज्यादा वैल्यू है तो वो क्षारीय होता है, लेकिन बीच में रहे तो वो क्या होता है उदासीन होता है ना। इसमें बताए थे कि एच प्लस आयन की मात्रा ज्यादा तो पीएच का वैल्यू क्या होता है कम, और वो क्या होता है ज्यादा क्षारीय होता है अम्लीय होता है। उसी प्रकार से बताए थे OH माइनस की आयन की संख्या ज्यादा तो क्षारीय भी होगा ज्यादा और पीएच का मान भी होगा ज्यादा। तो इस प्रकार से हम लोग समझे थे, आज समझते हैं इंपॉर्टेंस किसका, तो पीएच वैल्यू का। ठीक है, हम बताए थे पीएच क्या है, तो पीएच पी हमारा जो है पावर ऑफ हाइड्रोजन को बताता है। पावर कहां से आया, तो पोटेंशियल जर्मन नामक शब्द से हमारा निकल के आया, जिसका मीनिंग होता था क्या शक्ति होता था। ठीक है, अब देखो पीएच का महत्व, तो समझो पीएच का महत्व बाबू, पीएच का महत्व इस धरती पे इस पृथ्वी पे जितना जरूरी एक मानव के लिए है उतना ही जरूरी दूसरे जानवर के लिए है, और उतना ही जरूरी मिट्टी के लिए है, यानी कि निर्जीव चीजों के लिए। ठीक है, तो यहां से समझो कि पीएच हमारे जीवन में जिस प्रकार से ऑक्सीजन जरूरी है, जिस प्रकार से पानी जरूरी है, या तो जिस प्रकार से भोजन जरूरी है, उसी प्रकार से पीएच का भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और इसका इंपॉर्टेंस को हम एक एक करके देखते हैं, और इसका इंपॉर्टेंस केवल आदमी मनुष्य के लिए नहीं, हर एक चीजों के लिए है, चाहे वो निर्जीव हो, चाहे वो सजीव हो, चाहे वो जानवर हो रेंगता हुआ, चाहे वो चलता हुआ आदमी हो, चाहे वो बेसुरा या बिना मुंह वाला जानवर हो, चाहे लता मंगेशकर जैसा सुरीली आवाज निकालने वाला आदमी हो, हर एक के लिए पीएच का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर पीएच का वैल्यू बाबू गड़बड़ा गया तो आदमी उठ भी सकता है, और अगर पीएच का वैल्यू बहुत अच्छा रहा तो आदमी स्वस्थ जीवन भी जी सकता है। तो सारा कुछ डिपेंड कर रहा है किस पे, पीएच पे, और इसीलिए हम लोग इतना देर से पीएच 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 पढ़ ले आ रहे थे। समझ में आया? तो पहला समझते हैं पशु एवं पौधे के लिए। ठीक है, पशु एवं पौधे के लिए कि क्या इंपॉर्टेंस है पीएच का वैल्यू। फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखो किसका, पशु एवं पौधे के लिए। ठीक है, अब यहां देखो पशु एवं पौधे के लिए, चाहे वो कोई पशु हो, कोई जानवर हो, भैंस गाय बैल कुत्ता कुछ भी हो, चाहे वो बढ़िया आदमी हो, बुर्बक आदमी हो, होशियार आदमी हो, पगला आदमी हो, अमीर आदमी हो, गरीब आदमी हो, कोई भी आदमी हो, सभी के लिए पीएच का मान क्या होता है, एक वैरी करता है, एक निश्चित मान में होता है, और वो कितना होता है 7 से लेकर के 7.8 तक, कितना होता है पीएच का वैल्यू, तो पीएच का जो वैल्यू होता है वो 7 से लेकर के 7.8 तक होता है। यानी कि इस रेंज में अगर पेड़ पौधे का या हम लोगों का पीएच वैल्यू है तो वो क्या, उसमें हम लोग हेल्दी जीवन जी सकते हैं, स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, बढ़िया अनुकूल जीवन जी सकते हैं। लेकिन अगर ज्यादा भी हो गया और अगर कम भी हो गया तो हम लोगों को क्या होगा, अलग अलग प्रकार की बीमारियां होना शुरू हो जाएगा, और इस प्रकार से हम लोग स्वस्थ जीवन नहीं जी पाएंगे। ये हमारे जीवन में पीएच का वैल्यू है। और तोड़ के देखते हैं तो दूसरा में अगर हम बात करें तो दूसरा में समझो कि बगीचे के मिट्टी का पीएच मान। ठीक है, बगीचे की मिट्टी का पीएच मान यानी कि सिंपल से समझो कि मिट्टी का पीएच मान ठीक है क्या होता है। समझो मिट्टी का पीएच मान निर्जीव हो गया, मिट्टी का पीएच निर्जीव हो गया। समझो अगर मिट्टी का पीएच मान सही रहेगा तो उपज भी क्या होगा, ज्यादा होगा।
यानी कि उत्पादन उसमें जो साग भिंडी करेला लौकी आलू ये धान गेहूं बाजरा गन्ना जो भी चीजें हैं, तो अगर मिट्टी का पीएच अगर फसल के अकॉर्डिंग रहा, हर एक फसल के लिए अलग अलग होगा। देखो कोई फसल सूखा में होता है, कोई फसल बहुत ज्यादा पानी में होता है, कोई फसल तनी मानी पानी दे दीजिए हो जाता है, तो अलग अलग मिट्टी अलग अलग फसल अलग अलग पीएच, ठीक है। तो हर एक फसल के लिए हर एक मिट्टी के लिए पीएच का वैल्यू क्या करता है, अलग अलग वेरी करता है, अलग अलग होता है। जैसे इसका पीएच का वैल्यू कितना, तो 3.5 से लेकर के 3.5 से लेकर के 9.5 तक होता है। कितना, 3.5 से लेकर के कितना, 9.5 तक होता है, ठीक है। या तो इसको हम लोग पूरा पूरी 10 कहते हैं, ठीक है, 3.5 से लेकर के 10 तक होता है। इसमें से सूखा क्षेत्र के लिए अलग होगा, सूखा के लिए अलग होगा, वर्षा वाले क्षेत्र के लिए अलग होगा, है ना। सूखा वाले क्षेत्र के लिए अलग हो जाता है, वर्षा वाले क्षेत्र के लिए अलग हो जाता है, तो सबके लिए अलग अलग होता है, ठीक है, सबके लिए अलग होता है। जैसे वर्षा वाला क्षेत्र की बात करें तो 5 से लेकर के 7 तक होता है। कितना, 5 से लेकर के 7 तक होता है। लेकिन अगर हम सूखे वाले क्षेत्र के लिए बात करें तो 6.5 से लेकर के 9 तक होता है, 6.5 से लेकर के कितना 9 तक होता है। लेकिन सामान्य बात करें तो 3.5 से लेकर के 10 तक होता है। तो जितना बढ़िया पीएच रहेगा मिट्टी का, और तो उसमें उस मिट्टी में उपजने वाला फसल उतना ही ज्यादा लाभदायक होगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा, फल उसमें देगा, आने को उसका उत्पादन भी उतना ज्यादा बढ़िया से होगा, ठीक है। तो ये पीएच का वैल्यू हो गया। तीसरा अगर हम बात करें पाचन तंत्र की, तीसरा अगर हम पाचन तंत्र में पीएच का यूज देखें तो समझते हैं। देखो पाचन तंत्र, हम लोग कुछ भी खा लें, कुछ भी खा लें, बढ़िया बेकार, मांस मछली शाकाहारी कुछ भी खा लें, बस खाना होना चाहिए, ठीक है, खाना होना चाहिए। तो वो क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर पाचन क्रिया में इस प्रकार से सिस्टमेटिक बना हुआ है कि कुछ भी खाइए, अगर कच्चा खा गए पका के खाएं, सारा कुछ पचा के क्या होता है, नीचे से निकल जाता है। ये किसके कारण से होता है, इसमें पीएच वैल्यू का बहुत बड़ा रोल है। जब हम पढ़ाएंगे बायोलॉजी में पाचन तंत्र, तो उसमें समझाएंगे कि कैसे कैसे पाचन होता है, ठीक है। लेकिन पीएच का भी बहुत ज्यादा क्या होता है, वैल्यू होता है। जैसे कि क्या हो गया, HCl हो गया, HCl हो गया, और क्या हो गया, तो जठर रस हो गया। क्या हो गया, जठर रस हो गया। अभी बताए थे इसका पीएच मान कितना पिछले क्लास में, तो 1.2 बताए थे, जठर रस का कितना 1.2 बताए थे, HCl का कितना 1 बताए थे। तो ये सब कहां से निकलता है बाबू, ये सब आमाशय से निकलता है, पेट से निकलता है, और ये क्या करता है, हमारे शरीर में जो भोजन हम लोग करते हैं उसको पचाने का काम करता है। कौन, ये। सोचो कि ये अगर नहीं रहेगा तो हमारा पाचन नहीं होगा, हमारा पाचन नहीं होगा तो हमारा शरीर में बढ़िया से एनर्जी नहीं मिल पाएगा, तो हम लोग जी पाएंगे, नहीं जी पाएंगे। ये क्या है, पीएच का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। चौथा अगर हम लोग पीएच की बात करें तो दंत क्षय, ठीक है, कौन सा, दंत क्षय। अब दंत क्षय का मतलब समझो, चुपचाप समझो कि दंत क्षय का मतलब होता है क्या, दांत का सड़ना। दांत का क्या बाबू, सड़ना। दंत मतलब दांत हो गया, क्षय मतलब सड़ना, ठीक है। देखो ये दांत, देखो ये वाला, देखो है ना, ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना। देखो हर एक चीज का एक कवर होता है, हर एक चीज का क्या होता है, कवर। जैसे आदमी है तो आदमी का कवर क्या है, उसका स्किन है, उसका क्या है, स्किन है कि नहीं है। हर एक चीज का कवर होता है। जैसे मोबाइल है तो मोबाइल में हम लोग कवर लगा के चलते हैं, होता है कि नहीं, तो हर एक चीज का कवर होता है। तो हम लोग का जो दांत है ना, वो भी क्या है, एक कवर में पैक है, ठीक है। ये जो दांत देख रहे हैं, इसके बाहर से क्या है, एक आवरण लगा हुआ है, और वह आवरण किसका बना हुआ है, इनेमल का बना हुआ है। किसका, इनेमल का बना हुआ है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम। देखो हम लोग का जो दांत है बाबू, वो किसका बना हुआ है, दांत का जो कवर है, ठीक है, दांत का जो बाहर का कवर है उसको क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं, ठीक है। देखो दांत को क्या कहते हैं, दांत के कवर को क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। और उसको, और अगर हम बात करें उसको, कैल्शियम हाइड्रोक्सीपेटेट कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी, कैल्शियम हाइड्रोक्सी क्या है नाम बाबू, तो कैल्शियम हाइड्रोक्सी इसका नाम है, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट, ठीक है। या तो चुपचाप इतना भी तोरा नहीं आ रहा है, इसी को कह दो कैल्शियम फास्फोरस, ठीक है, इसी को कह दो क्या,
कैल्शियम फास्फोरस, कैल्शियम फास्फोरस इसका क्या है तो कवर चढ़ा हुआ है, इसका क्या है कवर चढ़ा हुआ है, और उसी कवर को हम लोग क्या कहते हैं इनेमल कहते हैं, उसी कवर को क्या कहते हैं इनेमल कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं इनेमल कहते हैं। ये हमारे शरीर का सबसे कठोर, ये हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है। सोचो बाबू, हमारे शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है और उसका क्या होता है सड़ना हो जाता है, वो सड़ जाता है, वो क्या होता है सड़ जाता है। कैसे सड़ता है बाबू, तो हमारे शरीर में पीएच चेंज हो जाता है, पीएच का मान जो है, पीएच का मान चेंज होने पर, पीएच का मान क्या है चेंज होने पर, बदलने पर। कैसे बदलता है तो देखो, हम लोग जो भी खाना खाते हैं, हम लोग जो भी खाना खाते हैं तो सामान्यता क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, मान लो खाना तो खा लिए सुबह में दोपहर में रात में, तो सामान्यता क्या होता है खाना खा लिए हाथ धो लिए और मुंह बाहर से करके पोंछ लिए, मुंह बाहर से करके पोंछ लिए, लेकिन मुंह के अंदर दांत में फंस गया खाना है कि नहीं, दांत में फंस गया खाना, कुछ इधर उधर फंस उसके रह गया। अब फंस उसके रह गया, हम लोग रात में आराम से बढ़िया तकिए चार बार मुड़े और सो गए। अब रात में सो गए बाबू और भोरे उठे तो मुंह कैसा लगता है, पचर पचर करता है। उसमें क्या होता है, हमारे मुंह में बहुत सारे बैक्टीरिया होता है, हमारे मुंह में क्या होता है बहुत सारे बैक्टीरिया होता है, तो वह बैक्टीरिया क्या करता है कि हमारे मुंह में जितने भी खाना जो बचा हुआ होता है उसको क्या करता है, उसका पाचन कर देता है, उसका क्या कर देता है पाचन कर देता है, आने उसको छोटे छोटे रूपे में तोड़ देता है, और वह टूटने के कारण से हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है। क्या होता है, हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है, और अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण बाबू पीएच का मान जो होता है, पीएच का मान जो है वो 5.5 से कम हो जाता है, और यह पीएच का मान कम होने के कारण हमारे मुंह में अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाता है, और वह अम्ल क्या करता है हमारे दांतों को सड़न कर देता है, हमारे दांत जो है वो सड़ना शुरू हो जाता है। तो सोचो, अगर हम इसका उपाय बचने के लिए कर सकते हैं तो बचने का उपाय क्या है बाबू, तो बचने का उपाय है कि खाने के बाद, ठीक है, खाना खाने के बाद, खाना खाने के बाद क्या, तो मुंह को धोना, मुंह को क्या करना अच्छे से हम लोग कूला करके धो लेंगे, मुंह में खाना फंसने नहीं देंगे तो हमारा दांत नहीं सड़ सकता। इसके साथ साथ कि हम लोग पढ़े थे कि जब कभी भी अम्ल की मात्रा ज्यादा हो जाता है तो क्षार मिला देते हैं तो अम्ल की मात्रा को कम कर देता है, यानी कि उदासीन कर देता है। तो हम लोग ब्रश करते हैं तो कैसा ब्रश करना चाहिए, क्षारीय मंजन वाला, ठीक है, क्षारीय मंजन वाले से क्या करना चाहिए ब्रश करना चाहिए, ठीक है, क्षारीय मंजन यानी कि वैसा मंजन का यूज करना चाहिए जो कैसा हो क्षारीय हो। तो क्षारीय को मिला देंगे मुंह में, तो मुंह में था अम्ल, हमने कर दिया भोरे भोरे उठ के ब्रश, तो अम्ल प्लस क्षार मिलके क्या हो गया, दोनों का प्रभाव समाप्त हो गया, हमारा मुंह ताजगी और कलौजक पर प्रचार करता। एक बार ब्रश से उसे कीजिए 25 को लड़की सामने आ जाएगी, ऐसे सामने आ जाएगी, समझ में आया, मुंह नहीं सड़ेगा तभी करेगी, है कि नहीं है। तो ये हमारा पीएच का इंपोर्टेंस है, सोचो कितना इंपोर्टेंस है। और अगर हम बात करें तो आत्मरक्षा के लिए, किसके लिए, आत्मरक्षा के लिए यानी कि खुद की रक्षा के लिए, खुद की रक्षा के लिए भी क्या करते हैं पीएच का उपयोग करते हैं, पीएच का उपयोग करते हैं। देखो क्या होता है ना, कभी कभी क्या होता है चींटी काट लेता है, चींटी काट लेता है, या तो कभी कभी क्या होता है मधुमक्खी डंक मार देता है, तो मधुमक्खी डंक मार दिया या चींटी काट लिया, तो वहां पे मान लो यहाँ पे चींटी काट लिया या मधुमक्खी काट लिया, तो यहाँ पे क्या होने लगता है जलन होने लगता है और दर्द करने लगता है, होता है कि नहीं होता है, होता है। तो उससे क्या होता है, जैसे मान लो कि मधुमक्खी जो है वो क्या कर लिया डंक मार लिया, मधुमक्खी ने क्या किया डंक मारा, अब मधुमक्खी ने डंक मारा तो वहां पे जहां पे डंक मारा वहां पे अम्ल छोड़ देता है, वहां पे कौन सा अम्ल छोड़ देता है, कौन सा अम्ल, तो मेथनोइक अम्ल, ठीक है, मेथनोइक अम्ल, मेथनोइक अम्ल क्या है वहां पे छोड़ देता है। अब यही मेथनोइक अम्ल के कारण से वहां पे जलन देने लगता है या दर्द करने लगता है। तो हम बताए थे कि जब अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो वहां पे क्षारक डाल दो, तो अम्ल क्षारक मिलके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर देगा, हम लोग को राहत महसूस करेंगे, जान बच गया, बाप रे बाप, काटा था लग रहा था प्राण निकल जाएगा, ओहो जान बच गया। तो कैसे, तो हम लोग क्या करते हैं इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं बेकिंग सोडा लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं बेकिंग सोडा, यानी कि खाने वाला सोडा जो होता है वो क्षारीय होता है, और उसको जब वहां पे लगा देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा राहत मिलेगा। एक और पौधा होता है, एक और पौधा होता है नेटल का पौधा, क्या नेटल का पौधा, अब ये तो नाम सुना होगा पहली बार, भले आप लोग देखे होंगे लेकिन नाम पहली बार सुने होंगे। देखो कुछ पौधा होता है उसको कहते हैं नेटल का पौधा, ठीक है, नहीं दिख रहा है, एक मिनट हम इसको नीचे करते हैं,
देखो नेटल का पौधा होता है, यानी कि एक पौधा होता है जो हमारे शरीर में अगर लग जाएगा ना, हमारे शरीर में सट जाएगा ना, तो खुजली होने लगता है, या तो जलन होने लगता है, या तो दर्द करने लगता है। एक प्रकार का पौधा होता है नेटल, जो बरसात के दिन में क्या होता है, जहां तहां उग जाता है, ठीक है, बड़ा बड़ा पत्ता होता है, इतना बड़ा बड़ा पत्ता होता है, एनसीईआरटी बुक में फोटो दिया है, उसको नेटल के पौधा कहते हैं, ठीक है। अगर वो हमारे शरीर में लग गया, कहीं भी लग गया, तो लगने से क्या होता है, उसमें बहुत सारा धागे नुमा संरचना बना होता है, जो हमारे शरीर में एंट्री करता है और वहां पे अम्ल छोड़ देता है। क्या छोड़ देता है नेटल का पौधा? अम्ल छोड़ देता है। कौन सा अम्ल? तो मेथनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल छोड़ देता है? तो मेथनोइक अम्ल छोड़ देता है। और ये मेथनोइक अम्ल के कारण से हमारे शरीर में अम्ल की मात्रा बढ़ जाता है और इससे हमको जलन होने लगता है। तो इससे बचने के लिए ये इससे क्या होने लगता है? जलन होने लगता है और दर्द करने लगता है। तो इससे बचने के लिए हम लोग छाया मिला देंगे। तो वहीं पे जहां पे नेटल का पौधा उत्पादन होता है, वहीं पे क्या है, तो वहीं पे डॉक का पौधा होता है। कौन सा पौधा होता है? वहीं पे डॉक का पौधा होता है। अगर उस डॉक की पौधे को हम क्या करें, लगा दें, अगर उस डॉक की पौधे को क्या करें, हम लगा दें, तो उससे क्या होता है, हमको राहत मिलती है। कौन सा पौधा बाबू? तो डॉक की पौधा। जहां पे नेटल का पौधा होगा, वहीं पे डॉक की पौधा होगा। कौन सा पौधा? डॉक का पौधा। अगर इसी को पीस करके हम लगा देंगे, इसी को डॉक के पौधा को पीस कर, ठीक है, डॉक के पौधा को पीस करके अगर हम लगा देंगे, तो उससे क्या होगा, हमको राहत मिलेगा। तो देखो खुद अब कितना फायदा हुआ बताओ। अगर पीएच का वैल्यू कम नहीं रहेगा, पीएच का पीएच ही नहीं रहेगा, तो बताओ इतना सारा जो काम खाने से लेकर के पचाने तक, खाने से लेकर के पचाने तक, इसके साथ साथ हमको आराम देने के लिए, अगर किसी तरह नुकसान हो जाता तो उससे बचने के लिए भी, यानी कि ओवरऑल सब चीज में देखा जाए तो पीएच का वैल्यू का मान बहुत ज्यादा है। अगर पीएच का वैल्यू का मान नहीं रहेगा तो हमारा जीवन रह भी नहीं सकता है और नहीं भी रह सकता है, और अगर रह भी गया तो कोई काम का जीवन नहीं रह जाएगा। तो ये था इंपॉर्टेंस किसका? पीएच वैल्यू का। किसका? पीएच वैल्यू का, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के मिलेंगे, ठीक है, ओके। देखो वो एक छोटा सा टॉपिक बच रहा था, ठीक है, उसको भी इसी में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। देखो कुछ प्राकृतिक स्रोत दिया, ठीक है, कुछ प्राकृतिक स्रोत दिया, जितना भी हम लोगों ने पढ़ा अभी उसी को एक कंक्लूजन दिया है, कुछ प्राकृतिक स्रोत दिया है। जैसे कि देखो क्या है, सिरका, संतरा, इमली, टमाटर, दही, नींबू, चींटी का डंक, या तो नेटल का डंक, यानी कि इस कुछ प्राकृतिक के स्रोत दिया है, उसमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो चीजें की बात किया, ठीक है, कौन सी अम्ल पाया जाता है उसका बात किया। हम बताए थे कि अम्ल अलग अलग होता है, भले अम्ल है लेकिन सबका अम्ल क्या है, अलग अलग है, किसी में H प्लस की मात्रा ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, ठीक है, और ये अलग अलग प्रकार के अम्ल जो होता है वो अलग अलग रंग को प्रदर्शित करता है, इस चीज को हम बताए थे पीछे। तो देखो जो सिरका होता है उसमें एसिटिक अम्ल होता है, कौन सा? एसिटिक अम्ल। तो सिरका एसिटिक अम्ल याद करना है, बोल बोल के क्वेश्चन आता है, सिरका में कौन सा अम्ल? एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। सिरका में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल होता है। संतरा में कौन सा अम्ल? तो सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल होता है। संतरा में कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल होता है। उसके बाद कौन सा? तो संतरा हो गया। उसके बाद इमली में कौन सा अम्ल? तो टार्टारिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टारिक अम्ल होता है। इमली में कौन सा अम्ल? टार्टारिक अम्ल होता है। अगर हम बात करें टमाटर की, तो टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जैलिक अम्ल होता है। कौन सा? ऑक्जैलिक अम्ल होता है। टमाटर में कौन सा अम्ल? ऑक्जैलिक अम्ल होता है। अगर बात करें नींबू की, किसका? अगर बात करें हम लोग किसका? नींबू की। देखो या तो दही की, अगर हम दही की बात करें, तो दही में कौन सा? तो लैक्टिक अम्ल। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। दही बोले या तो खट्टा दूध बोले, दोनों सेम चीज है। दही बोले या तो खट्टा, दही बोले या तो खट्टा दूध बोले, दोनों सेम चीज है। तो दही या खट्टा दूध में कौन सा? लैक्टिक अम्ल। नींबू में कौन सा? तो सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा? सिट्रिक अम्ल होता है। नींबू में कौन सा? सिट्रिक अम्ल होता है। और अभी हम बताए थे कि मधुमक्खी डंक मारे या चींटी डंक मारे या तो नेटल का पौधा आपके बॉडी में टच हो जाए, उसमें कौन सा अम्ल होता है? तो मेथनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल? मेथनोइक अम्ल। ठीक है, याद रखना, खट्टा चीज है तो सिट्रिक अम्ल रहेगा, खट्टा चीज तो सिट्रिक अम्ल। जैसे नींबू संतरा दोनों खट्टा होता है, तो कौन सा अम्ल? सिट्रिक अम्ल। ठीक है, कि कौन सा? सिट्रिक अम्ल। अगर हम संतरा की बात करें, तो संतरा में कौन सा अम्ल? तो संतरा में कौन सा अम्ल? तो संतरा में हमारा कौन सा? सिट्रिक अम्ल हो गया। नींबू में कौन सा? सिट्रिक अम्ल हो गया। सिरका में कौन सा? एसिटिक अम्ल हो गया। इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास मिलते हैं। ओके, थैंक यू।